पुरानी रंजिश को लेकर मालिक और किराएदार के बीच हुई झड़प, प्राथमिकी दर्ज। पुरानी रंजिश को लेकर एक मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़ा का मामला सामने आया है। बता दें कि यह घटना 10 जून की रात की है, जिसमें किराएदार दुर्गा और विमला मकान मालिक के खिलाफ आपस में बात करने लगी। इस बातों को सुनकर मकान मालिक गुस्से में आग बबूला हो गया। दोनों किराएदार बात कर छत पर आ गई। इसी बीच मकान मालिक छत पर आया और किराएदार को मारने की धमकी देने लगा। इस बात को लेकर दुर्गा बेहोश हो गई और मकान मालिक पर आरोप है कि उसने दुर्गा को छत से धक्का दे दिया, जिससे दुर्गा को काफी चोटें आई। इस मामले को लेकर किराएदार दुर्गा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। बता दें कि छत से गिरने के बाद दुर्गा को काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। वही इस मामले में एसीपी मयूर खंडेलवाल का कहना है कि पीड़िता को हाथ पैर में चोट है, जो हमदिया हॉस्पिटल में एडमिट है। ये घटना हिनोतिया अशोका गार्डन की है, जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और यह आरोप लगाया गया कि विवाद इस तरह इस हद तक पड़ गया कि जो 15 साल की एक बच्ची है उसे छत से नीचे धक्का देने की शिकायत आई है, जिस पर 308 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। उसको कोई भी गंभीर हालत में नहीं है, लेकिन उसके पैर में और हाथों में काफ़ी चोटें आई हैं छत से गिरने की वजह से। अभी वर्तमान में हमीदिया हॉस्पिटल